हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास आज एक एचपी का लैपटॉप आया है। मॉडल नंबर है HP 15 AC। इसका क्या हो रहा है, माउस अटक अटक के चल रहा है और इसके लेफ़्ट राइट की क्लिक है वो सही से वर्क नहीं कर रही है। तो हमारे पास पुराना सेम मॉडल का एक टच पैड पड़ा हुआ है, इसका हम लॉजिक बोर्ड जो होता है जिस पर माउस चलाते हैं उसको चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे चेंज होता है ये। सबसे पहले हम लैपटॉप को शट डाउन करेंगे। लैपटॉप शट डाउन होने के बाद हम सबसे पहले इसकी बैटरी निकालेंगे। बैटरी निकालने के बाद हम फिर उसी तरीके से इसके सारे स्क्रू खोल देंगे जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। पिछली वीडियो में हमने लैपटॉप सर्विस करने के बारे में सीखा था, आज हम सीखेंगे कि लॉजिक कार्ड बोर्ड कैसे चेंज करते हैं। हमें इसके सारे स्क्रू खोलने लेने हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ पे स्क्रू होते हैं, रबड़ के नीचे भी होते हैं। आप में अगर रबड़ लगी हो तो रबड़ के नीचे वाले स्क्रू खोल लेना। सारे स्क्रू खोलने के बाद हमको इसके डिवाइडर को हल्का बाहर की तरफ खींचना है जो कि निकल जाएगा। इसको निकाल के हम अलग रख देंगे। और बेस निकालना मैंने आपको बताया था, अगर इसने निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकलता तो आप कुछ भी पैनी सी चीज़ उसमें फंसा के निकाल सकते हैं। इसके बाद हमको इसके सारे कनेक्शन निकालने हैं एक एक करके। सारी चीज़ हटा लेनी है हमें। ये हमारी हार्ड डिस्क है, इसको हमने निकाल के अलग रख लिया है। ये फैन कनेक्टर होता है, इसको भी निकाल लेना है। आप किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करने से क्या होता है, कोई वायरिंग वगैरह टूट सकती है जिससे नुकसान हो सकता है, इसलिए आराम से करना। हमको इसके सारे स्क्रू खोल लेने हैं बोर्ड के भी। हमारे सारे स्क्रू खुल गए हैं, ये हमारा बोर्ड बाहर आ गया है। हम बोर्ड को एक सेफ जगह पर रख देंगे। इसके बाद हमें हमारा पैनल हमको अलग कर लेना है टच पैड से। पैनल के हिंज के स्क्रू खोलेंगे। ये हमारा टच पैड और पैनल अलग अलग हो गया। हम पैनल को एक साइड में रख देंगे सेफ जगह पे। और ये हमारा टच पैड है, हम टच पैड की जो क्लिक बटन होती है इसको निकाल लेते हैं। एक क्लिक बटन हमारी निकल गई है। इस कार्ड को भी हम निकाल लेते हैं जो कि बीच में हमें दिक्कत ना करे। हमने सारी चीज़ निकाल दी है। हमारे पास ये लॉजिक बोर्ड है, ये आप किसी ओपनर की मदद से इसको निकाल सकते हैं। हमको थोड़ी हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम हल्का हीट करेंगे जिससे ये आसानी से निकल जाए। हल्का हीट करेंगे, ज़्यादा हीट करने से क्या होता है, ज़्यादा हीट करने से हमारे टच पैड की प्लास्टिक पिघल सकती है। ये निकल गया है इसका लॉजिक कार्ड, इसको अलग रख देंगे साइड में। इसको हमें साफ कर लेना है एक अच्छे कपड़े से, जो भी ग्लू इसमें लगा रह गया हो। ग्लू अगर आप साफ नहीं करते हैं तो लॉजिक कार्ड दोबारा से हम
जो दूसरा लगाएंगे वो चलने में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए हमको इसको प्रॉपर साफ़ कर लेना है जो कि हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े दोबारा। निकाल लिया इसको, अब हमें जिसमें से लॉजिक कार्ड निकालना है उस टच पैड को लेना है, हमें इसमें से लगा के उस वाले में लगाना है। तो हम इसको हल्का हीट करेंगे। आपके पास अगर हॉट गन नहीं है तो आप लाइटर की मदद ले सकते हो, घर पे बैठे बैठे आप हल्का हल्का लाइटर से हीट करके, बस इसको हीट करना होता है, आप किसी भी चीज़ से हीट कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपकी प्लास्टिक नहीं जलनी चाहिए। हमको धीरे धीरे करके ही निकालना है, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करते हैं तो आपका ये बोर्ड डैमेज हो सकता है। इस बार हम दोबारा से थोड़ी सी हीट मारेंगे इसमें, हमको हल्का हल्का हीट करके ही निकालना है, ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करना क्योंकि ये डैमेज भी हो जाता है बहुत जल्दी, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हीट करके ही हल्का हल्का निकालें। ये बोर्ड हमारा निकल गया है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा हाथ इस पर ना लगे, इस पर टच ना हो, ये हमें जो ऊपर से जो ग्लू लगी हुई है बस इसको हल्का हल्का हटा लेना है, मोटा जहाँ पे ज़्यादा ना रहे, जगह ये रहता है तो चिपकने में दिक्कत करेगा। जिस प्रकार से लगा हुआ था उसमें उस प्रकार से हमें लगा लेना है।
इसको हीट करके प्रॉपर बैठा देना, क्योंकि अगर ये बैठेगा नहीं तो आपको चलने में दिक्कत करेगा, हो सकता है रुक रुक के चले या फिर कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये हमारा सक्सेसफुली लग गया है। अब हम दोबारा से अपना मदरबोर्ड लगा के चेक करेंगे। अब हमको सारे कनेक्शन उसी तरह से लगा लेने हैं दोबारा से जिस तरह से हमने निकाले थे। ये हमारा क्लिक हो गया। आईओ से कार्ड हो गया। उसके बाद ये हमारी हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड। ये राइटर का कनेक्शन है, ये हमारे कीबोर्ड का कनेक्शन है। हमें सारे कनेक्शन कर लेने, छोड़ना नहीं कुछ भी। ये हार्ड डिस्क कनेक्शन हो गया, ये हमारा यूएसबी कार्ड का कनेक्शन हो गया। ये हमारा टच पैड का हो गया, स्पीकर ऑफ। मुझे पैनल निकाला था, पैनल लेना है, पैनल भी लगाएंगे। पैनल लगाने का तरीका है, पैनल को पीछे रखिए, टच पैड को उसके ऊपर ऐसे रख के दबा दीजिए और इसके स्क्रू लगा दीजिए। इसके बाद फैन बैठाना है, फैन लगाएंगे हम। ये हमने फैन लगा दिया, फैन के वायर को यहाँ से ले जाना है और कनेक्टर को लगा देना है। इसके बाद हम हिंच के स्क्रू लगाएंगे। सारे स्क्रू टाइट हो गए हमारे। ये हमें डिस्प्ले केबल के बारे में इसी तरह से ले जाना है। डीसी कनेक्टर लगा दिया हमने। ये हमारी वाईफाई के बारे में, इसको लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके वाईफाई का नेटवर्क नहीं आएंगे ये अगर छोड़ जाती है तो। ये हमारा वाईफाई कार्ड होता है, इसको यहाँ पे लगाना है। हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं, इसके बाद हमें बेस बैठाना है। इसका बेस है, बेस लगाने के बाद हमें स्क्रू लगाने हैं। हम अभी ज़्यादा स्क्रू नहीं लगाते, हमें अभी दो तीन ही स्क्रू लगाते हैं टेम्परेली, चेक कर लेते हैं अगर कोई दिक्कत होगी तो दोबारा खोलने में आसानी होगी। ये हमारा लैपटॉप खुल रहा है, लैपटॉप पूरा खुला था इसलिए फर्स्ट टाइम में लैपटॉप थोड़ा देर से ऑन होगा, तो आप उस परेशान मत होइएगा। ये हमारा माउस चल गया है, आप देख सकते हैं ये माउस है, अब परफेक्ट चल रहा है। जिस साइड में हम चलाना है उस साइड में ही चल रहा है। पहले दिक्कत कर रहा था, हमको चलाना कहीं था, जा कहीं और रहा था। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा माउस है, कर्सर बहुत अच्छा चल रहा है। ये हमारा लेफ्ट राइट क्लिक भी सही हो गया है।
हम किसी वीडियो को क्लोज ओपन कर पा रहे हैं, पहले नहीं हो रहा था। ऐसे ही कुछ लैपटॉप के कुछ नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सारी की सारी वीडियो देखें, आपको लैपटॉप के चीज़ों में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और अगर आप मेरे से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, आपको कुछ लैपटॉप के उसमें लेके कोई परेशानी हो रही है, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा।